नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाड़ा दोस्त मनु मोड़ते। यह पंजाब जीके की अपनी थर्ड क्लास, इस तो पहले दो क्लासा मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा चुके हैं। जे तुसीं नहीं देखी तो वीडियो के एंड विच तुहानूं उन्हां वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, उत्थे जाके उह वीडियोज़ चैक कर सकते हो। तो इन्हां क्लासा में दोस्तों जिहड़े प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हां नाल रिलेटेड क्वेश्चन ही मैं इनकलूड किए हुए हैं। तो इस बार भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो जल्दी ना अपनी नोटबुक से पेन लेकर बैठ जाओ। तो आप अज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह का बनता है दोस्तों, पंजाब का पहला गवर्नर कौन सी? तो चंदू लाल महादेव त्रिवेदी जो पंजाब के पहले गवर्नर बने से। तो इस अलावा क्वेश्चन एम ए बी एग्जाम बन जाता है कि पंजाब का मौजूदा गवर्नर हाल के टाइम गवर्नर कौन है? तो बी पी बिदनौर नामक जो व्यक्ति है वह इस टाइम पंजाब का गवर्नर है। तो इस अलावा थर्ड नंबर क्वेश्चन की गल करें दोस्तों, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन सन? तो गोपी चंद भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री सन। तो हाँ, जिहड़े भी मेरे वीर पंजाब जी के वास्ते बुक पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पर, पूछ रहे थे कि सर पंजाब जी के की तैयारी वास्ते सब तो बेस्ट बुक कि है, कि बुक असी परचेज़ करिए, तो जिहड़ी बुक में मैं स्टडी करता हूँ तो वीडियोज़ प्रोवाइड करवाना हूँ इंपोर्टेंट एम सी क्यूज़ की, तो उस बुक का लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। उत्थे जाके तुसीं ओह लेटेस्ट एडिशन की बुक ही बाय करनी है। बुक स्टोर से तुहानूं शायद ना मिले, बट तुसीं अमेजन से उसनूं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ओके दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन ने? कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब के ने। तो इस अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मतलब कि डिपार्टमेंट किहड़े मिनिस्टर ने संभाले हुए हैं। तो इस रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी पहला वीडियो बना चुके हाँ, वीडियो के एंड में तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी, एक बार चैक कर लो, काफ़ी इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन उस वीडियो में दी हुई है। तो तुम्हें सारी मिनिस्ट्री जिहड़ी भी मिनिस्ट्री ने पंजाब में किहड़े मिनिस्टर ने संभाली हुई है उस बारे पूरी जानकारी तुम्हें उस वीडियो में मिल जाएगी। एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, माझा डिवीजन खेत्र के अधीन किन्ने जिले आते हैं? मतलब माझा एरिया जो अपने पंजाब में उस दे अंडर किन्ने जिले आते हैं? तो चार जिले आते हैं दोस्तों टोटल, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण। इस तो अलावा दुआबा बारे भी पूछ सकते हैं कि दुआबा जिले खेत्र किन्ने जिले आते हैं? तो इस बीच भी दोस्तों चार आते हैं, तो कपूरथला, जलंधर, हुशियारपुर, नवांशहर। एंड मालवा खेत्र की गल करिए दोस्तों, इस अधीन किन्ने जिले आते हैं? तो टोटल 14 जिले मालवा के अंदर आते हैं। चैक कर सकते हो इस बॉक्स में फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिलका, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, मानसा, पटियाला, मोहाली, मोगा, मुकतसर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, यह सारे जो मालवा एरिए आते हैं। दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, बारहमासी नदी यानी जिन्हों में हमेशा पानी वगदा रहिंदा है वो पंजाब में कहड़ियां ने? सतलुज, ब्यास, रवि, इन्हां विचों 12 महीने 30 दिन जिहड़ा कि पानी नाल फुलफिल रहिंदिया ने। इस अलावा पंजाब की मौसमी नदी सीजनली नदी कि ने? तो घग्गर सब तो मेन नदी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन तुहानूं बन सकता है कि पंजाब की मौसमी नदी या सीजनेबल नदी कि है, तो घग्गर ही अपन सही आंसर करना है। तो इस अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए दोस्तों, पंजाब में सब तो वधेरे जंगलात खेत्र वाला जिला कि है? मतलब डिस्ट्रिक्ट कि जिस भी सब तो ज़्यादा जंगली खेत्र पाया जाता है? तो हुशियारपुर 34% जी जमीन वह जंगली खेत्र घिरी हुई है। तो इस तो अलावा पंजाब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब किनिया ने? तो टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, तो यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट नैशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनी भी पंजाब है तुम सारी रट लो, तो इस रिलेटेड क्वेश्चनस काफ़ी तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलने। दोस्तों ये तो सामने जी 13 अपनी पंजाब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने उन्होंने नाम ने कितने सिचुएशन ने, मतलब कितने स्थित ने, जिमें एग्जाम ये क्वेश्चन किमें अपन देखने को मिलते हैं तुहाडे तो इन्हां 13 विचों किसी का भी एक नाम पूछ लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप गल कर लेने इतने तो एग्जाम जे क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है कि अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने किहड़े शहर में है? तो अबोहर फाजिलका जिले में आपको आंसर करना होगा। इस अलावा थोड़े तो इन्हों में कोई भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारे पूछा जा सकता, तो करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो कॉपी से नोट डाउन कर लो। दोस्तों अगर चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन होर थोड़े नाल शेयर करना चाहते, जो तुम पोल्ट्री साइंस और कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में खरीदना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है। इस PDF फाइल में प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन या उन्होंने रिलेट करते हुए क्वेश्चन ही इनकलूड किए गए हैं, तो यह काफ़ी इंपोर्टेंट PDF फाइल होने वाली आने वाले पंजाब के हर गवर्नमेंट एग्जाम लिए। दोस्तों जो तुम परचेज करना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम यह PDF फाइल में परचेज कर सकते हो। दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, महेंद्र चौधरी जूलॉजी पार्क कितने है? ये भी काफ़ी नैशनल पार्क बारे अपने तो पूछा जा सकता है। तो जिहड़ा महेंद्रा चौधरी जूलॉजिकल पार्क, इसनों चैटबीर जू भी कहा जाता है, तो जीरकपुर चंडीगढ़ में यह पार्क है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਜਾਂ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਮਿੰਨੀ ਜੂ ਯਾਨੀ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਨੀਲੋਨ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਨ ਪਾਰਕ ਬੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਬੀ ਪਾਰਕ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ। ओके दोस्तों, ऐसे पंजाब जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जे इस तरह की इनफॉर्मेटिव वीडियो तुम लेना चाहते हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लो, तो वीडियो में लाइक कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है।